हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ एंटोटेक। आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या आप आईफोन में बिडमेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या कर सकते हैं सच में या फिर नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वीडियोज़ डाउनलोड करने के लिए। तो इस ऐप को अगर आप प्ले स्टोर में देखेंगे तो भी ये ऐप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस ऐप को प्ले स्टोर में तो डाला गया ही नहीं। अगर डाला जाता तो यह अवेलेबल होता है। इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होता है, गूगल में जाना पड़ता है। गूगल में जाने के बाद वहाँ से एपीके को आप डाउनलोड करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन को आईफोन में ऐप स्टोर की, तो ऐप स्टोर में भी ये ऐप अवेलेबल नहीं है। ना तो ऐप स्टोर में ये ऐप अवेलेबल है, ना तो प्ले स्टोर में ये वाला ऐप अवेलेबल है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ता है गूगल में। गूगल में जाने के बाद सर्च करना होता है बिडमेट, फिर उसका ऑफिशियल वेबसाइट आता है, वहाँ पर जाने के बाद इसका एपीके डाउनलोड करना पड़ता है, और फिर एपीके से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आईफोन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन का ऐप, आईफोन में जो ऐप है वो अलग तरीके से बनाया जाता है, और एंड्रॉयड के जो ऐप्स है वो भी कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। एप्पल का जो ऐप्स है वो एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, एंड्रॉयड का जो ऐप है वो आईफोन में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम चेक कर लें कि अवेलेबल है या नहीं ये वाला ऐप ऐप स्टोर में, तो मैं यहाँ से अभी सिंपली चले जाता हूँ ऐप स्टोर में। फिर यहाँ से मैं सर्च करता हूँ ऐप अवेलेबल है या फिर नहीं। ऐप जो है एबिडमेट नाम का ऐप तो है, लेकिन वो वाला ऐप नहीं है जो हमको चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐप अवेलेबल नहीं है, तो आप आईफोन में इस पल बिडमेट ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऐप को तब तक आप डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक इस ऐप को ऐप स्टोर में नहीं डाला जाता। इस ऐप को एप्पल स्टोर में नहीं डाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या है, सिंस एपीके इज़ ए एंड्रॉयड ओनली फाइल, देयर इज़ नो वे यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली ऑन योर iOS डिवाइसेस। तो देख सकते हैं जो APK फाइल्स है वो सिर्फ एंड्रॉयड में डाउनलोड करने के लिए बनाया गया है, तो उससे आप आईफोन में ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसी के इसके लिए एप्पल के लिए अलग से APK बनाना होगा, और उसका नाम शायद अलग हो, तो इसी वजह से आप कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते APK से अपने आईफोन में, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन में जो है ऐप गूगल प्ले स्टोर भी अगर आपने आईफोन में लगा दिया, और अगर वहाँ से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो वाला ऐप भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो ऐप है वो आईफोन के लिए अलग से डेडिकेटेड बनाया जाता है। अगर आप एंड्रॉयड और आईफोन के दोनों ऐप को ओपन करेंगे, सेम ऐप को दोनों डिवाइसेस में ओपन करेंगे, तो ऐप जो है अलग अलग दिखेगा, अलग टाइप, अलग अलग से वो जो है चलता है। तो इसी वजह से आप आईफोन में ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। जो भी हो, आपको कुछ भी बोले कि डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे कर, ऐसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, ऐसा आखिर होता ही नहीं। कोई भी ऐप आप विदाउट ऐप स्टोर, ऐप स्टोर के बाहर डाउनलोड नहीं कर सकते। ओनली ऑन ऐप स्टोर में जो ऐप दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की कि विदाउट ऐप स्टोर मतलब ऐप स्टोर के बाहर कोई भी ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ऐप स्टोर के बाहर क्या होता है, कुछ अलग कोई भी प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। हो सकता है बाद में ये ऑप्शन आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।